हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सर्च मेट्रोलॉजी के अंदर, नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, नेट इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसके रिटर्न नोट जैसे ही हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आपको इसके रिटर्न नोट जो है मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, पहले तो हम देखेंगे कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और एक अच्छे मेयर की क्या डिस्पर्शन सॉरी एक अच्छे मेयर ऑफ डिस्पर्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, व्हाट आर द वेरियस मेथड जिसके द्वारा हम डिस्पर्शन को मेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल ऑन रेंज रेंज को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, इसको मेयर ऑफ वेरिएशंस भी कहा जाता है। देखो, डिस्पर्शन का अर्थ होता है कि जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे हमारा मीन जो है 10 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है आइटम्स की। तो हम देखते हैं कि ये जो आइटम्स है जिनसे हमने मीन निकाला है, तो ये आइटम जो है, जो मीन वैल्यू है, उससे इनकी डेविएशन कितनी है, वेरिएबिलिटी कितनी है। तो डिस्पर्शन के अंदर जो है हम डेविएशंस को जो है मेयर करते हैं। डिस्पर्शन रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द आइटम वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, कि ये जो आइटम्स थी एक दूसरे से, जैसे 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, इनकी आपस में वेरिएशन कितनी है। और उसी तरह क्या है कि इनकी जो हमने मीन यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू निकाली है, उससे उनकी वेरिएशन क्या है। यहाँ पे हमने जैसे अर्थमेटिक मीन निकाला है, तो अर्थमेटिक मीन से जो है डेविएशन कितनी है, वेरिएशन कितनी है, आपस में वेरिएशन कितनी है। डिस्पर्शन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द आइटम वेरी फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वेरिएशन कितनी है और सेंट्रल वैल्यू से उनकी वेरिएशन क्या है, जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है। डिस्पर्शन इज द मेयर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, कि जो आइटम्स के अंदर वेरिएशन है एक दूसरे से, उनके अंदर कितना डिफरेंस है। मेयर ऑफ डिस्पर्शन या मेयर ऑफ वेरिएशन हेल्प अस टू स्टडी द वेरिएबिलिटी, वो वेरिएबिलिटी के एवरेज वैल्यू से डेविएशन कितनी है, एक दूसरे से डिफरेंस कितना है। तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन हमें ये चीज़ जो है सिखाती बताती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो, जैसे 3 हमारे पास क्या है कि सीरीज़ है, ठीक है। और तीनों सीरीज़ के अंदर देखो क्या है कि मीन जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब हम डिस्पर्शन हमें बताती है कि देखो, जो फर्स्ट सीरीज़ है इसके अंदर मीन जो है, और जो आइटम्स के अंदर भी कोई डेविएशन नहीं है, और जो मीन है उससे भी डेविएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम भी 10 है और यहाँ पे क्या है कि मीन भी हमारा 10 है, तो यहाँ पे ज़ीरो वेरिएशन है। जो सेकंड सीरीज़ है देखो, यहाँ पे क्या है कि जो मीन है उस मीन की वैल्यू 10 है, लेकिन जो आइटम्स है और जो मीन है उसके अंदर डेविएशन है। और जो थर्ड सीरीज़ है देखो, वहाँ पे भी मीन सेम है, लेकिन हमारा जो एवरेज वैल्यू 10 है और जो आइटम्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ डेविएशन है। तो डिस्पर्शन हमें बताती है कि आइटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आपस में, और मीन से बहुत ज़्यादा वेरिएशन है या बहुत कम वेरिएशन है। क्योंकि देखो, जहाँ पे कम वेरिएशन होगी वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है, और जहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होती है वहाँ पे कंसिस्टेंसी कम होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, देखो फर्स्ट पिक्चर्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे ये 2 सीरीज़ हैं और यहाँ पे मीन की वैल्यू जो है सेम है। इन फर्स्ट पिक्चर प्रेजेंट द 2 डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन बट डिफरेंट वेरिएशन। सेकेंड पिक्चर के अंदर क्या है कि अनइक्वल मीन्स है, देखो दोनों सीरीज़ का मीन जो है डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे वेरिएशन सेम है। तीसरी के अंदर क्या है कि मीन भी डिफरेंट है और वेरिएशंस भी डिफरेंट है। तो मेयर ऑफ डिस्पर्शन जो है, जो डिस्पर्शन है हमें डिग्री ऑफ वेरिएशन बताता है कि जो मीन हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो एवरेज वैल्यू निकाली है
उससे डेविएशन कितनी है और आइटम्स के आपस में वेरिएशन क्या है। तो देखो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन निकाला या मीडियन निकाला या मोड निकाला वो इनसफिशिएंट है, तो इसको हमें अदर मेयर के साथ जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि हमारा चैप्टर डिस्पर्शन का है तो हम डिस्पर्शन जो है स्टडी करेंगे कि जो मेयर ऑफ वेरिएशन है ये हमें बताती है कि जो इंडिविजुअल मेयर है वो एवरेज वैल्यू से कितनी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो मकसद होता है वेरिएशन को जानने में होता है, डिग्री को जानने में होता है, डायरेक्शन को जानने में नहीं होता। अब देखो जैसे अगर हम कहें कि जो मीन वैल्यू हमारी 10 है तो इसका मतलब है कि जो आइटम्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ऊपर है या नीचे है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहें कि ऊपर जो डिफरेंस 6 का है और नीचे भी डिफरेंस 6 का है तो क्योंकि वेरिएशन जो है हमने मेयर करनी है तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन है जा रही है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है वो मेयर करनी है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्शन के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा एवरेज है ये कितना रिलायबल है, दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ की हम वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं किस में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है किस में वेरिएशन ज़्यादा है। और उसी तरह हम स्टैटिस्टिकल मेयर जो होती हैं उसको यूज़ करने के अंदर किस तरह से हम इसको हेल्प कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हमारी क्वालिटी की लोअर एंड अपर लिमिट होती है, तो वहाँ पे हमारी जो डिफेक्ट है वो उस रेंज में होना चाहिए, उस रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्पर्शन जो है हमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको कीप इन चेक करने के अंदर भी जो है हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेयर ऑफ डिस्पर्शन। देखो जब हम मेयर ऑफ डिस्पर्शन करते हैं तो ये हमें बताती है कि जो इंटायर डाटा है जिसके बेसिस पे हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है क्या वो इंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अगर देखो वेरिएशन स्मॉल है, वेरिएशन स्मॉल का अर्थ है कि जैसे मीन से जैसे हमने मान लो मीन निकाला है तो जो अंदर आइटम दी हुई है उनका आपस में वेरिएशन कितना है, मीन से वेरिएशन कितना है, अगर ये वेरिएशन थोड़ी है तो इसका मतलब है कि हमारा एवरेज जो है रिप्रेजेंटेटिव है और रिलायबल है और जिसके बेसिस पे क्या है कि हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर हमारा वेरिएशन लार्ज है और लार्ज सैंपल नहीं है तो इट मींस कि हमने जो मेयर जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो मेयर अडॉप्ट किया है वो हमारा रिलायबल नहीं है। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि हम नेचर एंड कॉज को जो है स्टडी करते हैं ताकि हम वेरिएशन को जो है कंट्रोल कर सकें। और उसी तरह क्या है कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जो जब हम वेरिएशन की स्टडी करते हैं तो नेचुरली हम देखते हैं कि डाटे के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है या वेरिएशन है, क्योंकि अगर लो वेरिएशन है तो इट मींस कि डाटे के अंदर यूनिफॉर्मिटी है और अगर हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी कम है, यूनिफॉर्मिटी कम है। और उसी तरह क्या है कि जैसे कोरिलेशन एनालिसिस है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथीसिस है, फ्लक्चुएशंस हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, ये वेरिएशन की मेयर के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड मेयर ऑफ द वेरिएशन। देखो ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए जिसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। यूनिकली डिफाइन का अर्थ होता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है रिजिडली डिफाइन का अर्थ होता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम मेयर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे क्या है कि हम इसकी फर्दर जो है अलजेब्रिक जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वहाँ पे हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि सैम्पलिंग स्टेबिलिटी के अगर हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हमने 10 सैंपल लिए हैं तो वहाँ पे उनका जो रिज़ल्ट है वेरिएशन जो है उनके अंदर बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो स्टेबल है। अब देखो जो डिस्पर्शन मेयर है ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन कैलकुलेट करते हैं
ठीक है। तो मीन के अंदर क्या होता है कि देखो, जो हमारा यूनिट अगर किलोग्राम के अंदर है तो मीन भी हमारा किलोग्राम के अंदर आता है। एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट इन विच ऑफ द ओरिजिनल डेटा आर गिवन, रुपीज़, किलोग्राम, टन्स एक्सेट्रा। तो हम इसको इस किसी के साथ जो है कंपेयर जो है नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रिलेटिव मेयर ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं, रेशो की फॉर्म में निकालते हैं या परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, जिसको हम कह देते हैं कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन, तो यहाँ पे ये प्योर नंबर होता है जिसके अंदर यूनिट ऑफ मेयरमेंट नहीं होता। तो जिसके बेसिस पे क्या है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब हमने जो है रिलेटिव मेयर निकालनी है तो वहाँ पे एवरेज जो होता है उसको बेस लिया जाता है। अगर हमने क्या है कि देखो मीन जो है निकाला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है मीन से निकालनी होती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ द डिस्पर्शन, रेंज है, क्वार्टर डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कॉफिशन ऑफ वेरिएशन है, लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व जो है ग्राफिकल है, बाकी सारा जो है मैथमेटिकल है। हमारी जो फर्स्ट मेयर जो हम करने जा रहे हैं, डैट इज़ द रेंज, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम। तो इसका जो फार्मूला है, रेंज अगर हमने एब्सोल्यूट मेयर निकालनी है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कॉफिशेंट ऑफ रेंज जो होती है उसका अर्थ होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मेयर होती है और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे इंडिविजुअल के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर और कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर हम किस तरह से रेंज को कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है वो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, ये एक ही बार चीज़ अकर करती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 10, 15, 16, 24, 45। तो रेंज का फार्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 45, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 10। तो 45 माइनस 10, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मेयर ऑफ रेंज आ जाती है। कॉफिशन ऑफ रेंज जो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखो 45 माइनस 10, 45 प्लस 10, तो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 55, तो ये 0.63 आ जाता है। तो कॉफिशन ऑफ रेंज जो है हमारी 0.63 है। और उसी तरह हम डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर है, देखो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या है कि ये हमारी एक्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि ये इतनी अकर बार अकर करती है। डिस्क्रीट है कि 10 जो वैल्यू है वो दो बार अकर करती है, 20 जो है वो तीन बार अकर करती है। देखो रेंज के अंदर क्या है कि हमारा जो फार्मूला है कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे 50 माइनस 10, तो ये एब्सोल्यूट मेयर निकाल लेनी है। कॉफिशन ऑफ रेंज के अंदर क्या है कि जो रिलेटिव मेयर है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे कॉफिशन ऑफ रेंज के अंदर हमने वैल्यूज डाल दी, 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10 60, तो ये आ जाता है 2/3, जिसके अंदर ये 0.67 आ जाता है। अब हम इसको जो है कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर जो है कैलकुलेट करते हैं। देखो कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर भी क्या है कि ये हमें जैसे डिस्क्रीट के अंदर तो क्या है कि 10 ही एक बार अकर करता है, तो यहाँ पे 10 to 20, 10.99, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, 19.99 वैल्यू जो है वो एक बार अकर करती है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे भी क्या है कि स्मॉलेस्ट हमारी जो है लिमिट कितनी है 10 है और मैक्सिमम लिमिट जो है हमारी 60। तो यहाँ पे 60 माइनस 10 50, ये हमारी एब्सोल्यूट आ जाती है। और जो उसका फार्मूला है L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S, तो यहाँ पे 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70, तो 50 डिवाइडेड बाय 70 आ जाता है 0.71। तो यहाँ पे हमने रेंज को अंडरस्टैंड कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर जो हम करेंगे क्वार्टर डेविएशन, अब हम देखते हैं कि इससे पहले हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। देखो जो रेंज है इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ किया जाता है। रेंज जो होती है ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं यूज़ की जा सकती। और देखो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट और बड़ी आइटम का डिफरेंस देखते हैं, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। यहाँ पे सैंपल के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो वैल्यू भी इफेक्ट होती है और एक्सट्रीम वैल्यू से भी इसकी जो है इफेक्ट होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं कि जो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं इसके बेनिफिट क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है।
देखो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाना है ज़ीरो डिफेक्ट बनाना है। और यहाँ पे क्या है कि 100% जो है बेसिकली जो है वो 100% हमारा जो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो 100% जो है सही होना चाहिए। तो स्टेटिस्टिकल मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे रेंज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो आइटम होती है उसके अंदर हम डिफरेंस को देखते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो उस रेंज से बाहर है तो इट मीन्स कि हमें करेक्टिव वेयर जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसी तरह जो रेंज है वो जैसे शेयर की प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइसेस के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको मेयर करने में हेल्प करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पीरियड जैसे 19 के अंदर मान लो गोल्ड की प्राइस 31,000 थी, और आज की डेट के अंदर जो उसकी प्राइस है वो है 42,000। तो इट मीन्स के जो वेरिएशन है, मिनिमम वैल्यू जो थी उसकी प्रीवियस ईयर के अंदर 31 थी, और आज की जो करंट ईयर है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है 42,000 है। तो 42,000 माइनस 31,000, तो यहाँ पे इस तरह से हम रेंज को जो है फ्लक्चुएशन इन द प्राइस जो है उसकी रेंज को मेयर कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है वेदर फोरकास्ट के जो वेदर का डिपार्टमेंट है वो भी रेंज का इस्तेमाल करता है ताकि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लोग देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इन लिमिट्स के अंदर जो है आज हमारे पूरे दिन का टेम्परेचर रहेगा।